नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय इंडिया और आज हम आ पहुंचे हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पे, जहां पर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे भारत की महामहिम श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। एवं ये आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा आयोजन की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी ये आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे किया गया है और हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर, जहाँ जनजाति उद्यमिता, शिल्प संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य के भावना का ये एक उत्सव है, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए आदिवासी संस्कृति के लोग अपने संस्कृति के संरक्षण करवाते और विभिन्न चीज़ों को यहाँ पर विक्रेता और यहाँ पर उस चीज़ की एग्जीबिशन पे लगाए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, तो आइए ले चलते हैं आपको आसाम की ओर और आसाम से हमारी दीदी आई हुई हैं। आपका नाम? बर्नाली पाठक। कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? दिल्ली में तो बहुत साल से है, 2012 से स्टार्ट किया है, मतलब बाहर आना, और उधर पे भी हम लोग का एग्जीबिशन होता है, पर दिल्ली में मैं 2012 से स्टार्ट किया। आपका आसाम में, आप ये आसाम की साड़ियाँ, हाँ, ये आप खुद ही बनवाती हैं या फिर आप ये कहीं से लेकर आती हैं और यहाँ पर रीसेल करती हैं? खुद का वीविंग सेंटर है, वहाँ पे वीवर है बहुत सारा, 10 लूम्स है मेरा, और वो 10 लूम्स के अंदर ही नहीं, बाकी जो मतलब हम लोगों का वीवर होता है, घर घर में भी बनता है, मैं खुद उन लोगों को सप्लाई देती हूँ थ्रेड को, वो लोग बना के देता है। क्या आप बताएंगे किस तरीके से आप ये सब चीज़ों को बनाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं? किस तरह, मतलब हम लोगों का तो वहाँ पे मार्केट होता है, अदरवाइज हम लोग का घर से सेल होता है, और गवर्नमेंट के थ्रो से आजकल गवर्नमेंट के यहाँ से मतलब एग्जीबिशन देता है, फ्री ऑफ कोर्स देता है वो लोग, तो आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा भी दे देता है, उस हिसाब से हम लोग का मार्केट चल जाता है। तो आइए ले चलते हैं अब आपको उड़ीसा की तरफ, जहाँ पर उड़ीसा से आए हैं कुछ लोग, जो कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स के द्वारा यहाँ पर लोगों का आकर्षण केंद्र बन गए हैं। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए। उड़ीसा के कौन से? उड़ीसा रायगढ़ से आया हूँ। आपकी यहाँ की विशेषता क्या है? ये जो हम ट्राइब्स इंडिया की तरफ से आए हैं और ट्राइब्स इंडिया का से ट्रेनिंग लेकर ये पेंटिंग बना रहे हैं। पहले ये हमारा दीवार में बना रहे थे, इसका बाद इसको कैसे मार्केटिंग करने हमको ट्राइब्स इंडिया वाला सिखाया है, पहले ट्रेनिंग दिए हैं, इसका बाद ये पेंटिंग सिखाया है ट्राइब्स इंडिया की तरफ से है। और ये जो बनाया है अभी, ये देखिए, ये पूरा कृष्णा जी का स्टोरी बनाया है, और इसका पर ये जो लोहा का है, लोहा का एक लिखनी है, इसे खुदाई करके बनाया है, ये सब खुदाई हुआ है, खुदाई होने का बाद जो काजल है, काजल लगा के पानी से साफ कर दिए, फिर इसका बाद ये जो है इसको कटिंग करके निकाला है। तो ये जो पत्ता है, क्या आप बता सकते हैं ये आप इसको किस में बनाए हैं? ये लीफ का है, पाम लीफ का है, उसका पर बनाया। तो आप किस तरीके से इस पेंटिंग को बताते हैं, जरा दर्शकों को बताएंगे? ये जो है ये पूरा कृष्णा जी का लाइफ स्टोरी बना है, ये जो है ये पूरा कृष्णा जी का लाइफ स्टोरी बना है। देखिए किस तरीके से कृष्ण भगवान की पूरी जीवन जीविका को इसमें दिखाया गया है एक पेंटिंग के माध्यम से, और ये काफ़ी बेहद खूबसूरत सा है। इसको बनाने में कितना समय लगा? ये 2 महीना लगा है, ये पेंटिंग बनाने के लिए 2 महीना लगा। आप अकेले बनाए या फिर इस? ये जो पेंटिंग बनाएगा वो अकेले ही बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिगर चेंज अलग हो जाएगा, काम अलग हो जाएगा। तो क्या आप इसके प्रोसीजर को बताएंगे कि किस किस तरीके से आप इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद कलर किस तरीके से? ये जो है ये पत्ता को पीछे की तरफ से इस टाइप का सिलाई करके इसको बनाया है, और ये जो है ये कलर है, ये नेचुरल कलर है, नेचुरल मीन्स काजल जो है काजल से बनाया है। और इसका क्या रेट में आप इसे किस दाम पे बेचते हैं? 30,000 रखा है। ये साइज है 20x22x60। इसके अलावा और क्या क्या पेंटिंग्स आप यहाँ पर रखते हैं? ये देखिए ये उड़ीसा का वो जो आदिवासी पेंटिंग है, ये आदिवासी लोग पहले इसको दीवार में बना रहे थे, दीवार के बाद फिर मार्केटिंग कैसे हुआ है,
और इसके लिए पढ़ाई करके फिर ये टसर सिल्क के ऊपर बनाया है। और ये जो है ये टसर सिल्क के ऊपर बनाया है। तो देखिए किस तरीके से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार ने इस आदि महोत्सव का आयोजन किया है और इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत पेंटिंग्स के द्वारा लोग विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। इसका आप इसकी विशेषता क्या है, ये किस चीज़ की पेंटिंग से बने या फिर ये भी नेचुरल है? नेचुरल कलर से बना है और ये टसर सिल्क के ऊपर है। तो इसके और भी ड्रेसेस वगैरह भी होते होंगे महिलाओं के लिए? साड़ी भी होता है, सब टाइप का होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये जगन्नाथ संस्कृति को दिखा रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स हम देखने को पा रहे हैं, पटचित्र में बना हुआ है। ये देखिए ये पूरी जगन्नाथ जी का बनाया है। चित्र के बाद हम आपको दिखाते हैं ये किस चीज़ में बना है। जी का लाइफ स्टोरी है। ये किस मटेरियल पे आपने? ये जो है ये कॉटन क्लॉथ है, ये दो कॉटन क्लॉथ को जॉइंट करके इमली का गम और चौक पाउडर लगा के ये पट्टी बनाया है। जब जगन्नाथ का फेस्टिवल होता है ना उसी टाइम में ये मूर्ति पूजा नहीं होता है, ये पट्टी पूजा होता है। अच्छा। इसलिए इसका नाम है पटचित्र। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से पटचित्र किस लिए इसे कहा जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब रथ यात्रा के द्वारा जब भगवान जगन्नाथ की पूजा नहीं होती है तो इसी पट की पूजा होती है, जिस वजह से इसको पटचित्र नाम दिया गया है। ये पट्टी में मूर्ति बना के पूजा होता है। और इसके अलावा और भी और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? ये पूरी जगन्नाथ जी का भी ये जो है ये जब हम फेस्टिवल में वापस आते हैं ना जगन्नाथ, तो उसी टाइम में ये बैस होता है। ये बैस का नाम है सोना बैस है, सोने का बैस है। ये उसी टाइम में रास्ता में ये बैस होता है। जगन्नाथ का तो बैस बहुत अलग अलग टाइप का, जैसे नागार्जुन बैस है, बणभोजी बैस है, बांकचूल बैस है, अलग अलग बड़सियार बैस है, अलग अलग टाइप का बैस होता है। ये सारे पेंटिंग्स का नाम पटचित्र ही है या फिर अलग अलग कुछ नाम पे? सौरा पेंटिंग है। सौरा किसे कहते हैं? ये सौरा पेंटिंग है। ये सौरा है जी मैडम। और इसकी खासियत क्या है? ये पहले ये आदिवासी लोग को ये पेंटिंग बना रहे थे, फिर इसको इनको आदिवासी लोग को गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दे के ट्राइब्स इंडिया की तरफ से ये पटचित्र भी सिखाया है, ट्राइबल पेंटिंग और नया नया डिजाइन भी सिखाया है और ट्री ऑफ लाइफ का भी सिखाया है इन लोग को। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।